नाउ वी विल डू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्मेटिंग. सबसे पहले हम लोग देखेंगे होम टैब एंड उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं. सो दिस इज़ द होम टैब विच कंटेन्स मोस्ट ऑफ द टूल्स फॉर फॉर्मेटिंग. यू कैन सी कट एंड कॉपी ऑप्शन. यू कैन सी द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन. वी हैव ऑलरेडी डन वॉट इज़ द फॉर्मेट पेंटर. दिस इज़ द फॉन्ट सेक्शन. सिंपली आई जस्ट शो यू. लेट्स से सपोज दिस इज़ अ टेबल विच आई हैव. तो मुझे इस टेबल को फॉर्मेट करना है यूजिंग दीज टूल्स. तो सबसे फर्स्ट आई विल सेलेक्ट द इंटायर टेबल. ठीक है. लेट्स से सपोज वी आर चेंजिंग द इंटायर कॉलम्स कॉलम हेडिंग्स टू बोल्ड एंड इट्स अप टू यू. आपको लेफ्ट अलाइन रखना है या मिडल अलाइन रखना है. मेरे केस में इट इज़ ऑलरेडी लेफ्ट अलाइंड. यू कैन चेंज इट टू मिडल अलाइनमेंट. दिस इज़ द अलाइनमेंट पोजिशन. यू कैन चेंज एज यू कैन सी ओवर हियर. यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं आपको अभी नहीं समझ आएगा. जस्ट इंक्रीज द विथ ऑफ द सेल्स. सो देखो यहाँ पे ये एग्जैक्टली सेल के बीच में है. व्हेन आई क्लिक इट ऑन दिस बटन ये सेल के एकदम नीचे आ जाएगा एंड कॉरस्पॉन्डिंगली सेल के एकदम ऊपर आ जाएगा. सो इट डिपेंड्स आपको कैसा फॉर्मेटिंग चाहिए. आई एम कीपिंग इट लेफ्ट अलाइन फॉर द टाइम बींग. अब हम लोग को सपोज अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो अपने कॉलम हेडिंग्स को. लेट्स नॉट डू इट राइट नाउ. इससे आप अपने कॉलम हेडिंग्स को इटैलिक्स में चेंज कर सकते हो. जनरली वी कीप इट एन एरियल एंड फॉन्ट साइज हम 9 रखते हैं. डिपेंडिंग ऑन आपका रिक्वायरमेंट कैसा है वैसे आप रख सकते हो. आई कैन चेंज द कलर्स टू और लेट्स से सपोज आई कैन. इससे क्या होगा, इससे आपका सेल कलर चेंज हो जाएगा, सेल फिल चेंज हो जाएंगे. आई एम चेंजिंग इट टू नो फिल. देन आई कैन चेंज द कॉलम हेडिंग्स कलर टू लेट्स से सपोज डार्क ब्लू. एंड और हम क्या कर सकते हैं टू मेक इट मोर नीट. आई कैन जस्ट सिलेक्ट माई फर्स्ट रो एंड दिस इज़ द सेक्शन फॉर बॉर्डर्स. तो यहाँ से आई एम जस्ट एडिंग द बॉटम बॉर्डर. नाउ अगेन आई कैन चेंज दिस बॉर्डर ऑल्सो. सिंपली आई हैव टू राइट क्लिक. फॉर्मेट सेल्स का एक ऑप्शन है. फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे एंड यहाँ पे बॉर्डर में जाके यू कैन जस्ट चेंज द कलर ऑफ द बॉर्डर वॉट एवर कलर यू वॉन्ट फॉर योर बॉर्डर्स. ठीक है. दिस इज द फॉन्ट एरिया वेर यू कैन चेंज द फॉन्ट ऑफ द सेल एंड द बॉर्डर विच यू वॉन्ट. इन साइड बॉर्डर्स आउटसाइड बॉर्डर्स हमने ऑलरेडी वो ऐड कर दिया है इधर. फिल से आप अपना सेल का फिल चेंज कर सकते हो. सो दिस इज द वे ऑन हाउ यू कैन जस्ट सिंपली कंटिन्यू टू फॉर्मेट योर सेल. बॉर्डर को आप थिक भी कर सकते हो. यहाँ से यू कैन चेंज द बॉर्डर फॉर्मैट्स. सेलेक्ट एनी वन ऑफ इट एंड यहाँ देखो आई हैव एडेड वन बॉर्डर टू माई टेबल. अगेन दिस होल थिंग स्टैंड्स फॉर द अलाइनमेंट ओरिएंटेशन. यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द सेल. ये हॉरिजॉन्टली हम प्रेजेंट करें. आई कैन मेक इट वर्टिकल डिपेंडिंग. अभी इसका ज़रूरत नहीं है. डिपेंडिंग देखो जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल एंड सी इट बिकम्स वर्टिकल. सो यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द सेल इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू. रैप टेक्स्ट एंड मर्ज इन सेंटर ये हमने किया था. दिस सेक्शन नाउ कंसिस्ट ऑफ बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट जनरल वे में स्टोर हुआ है. सो यू कैन चेंज इट इन टू नंबर और मे बी करेंसी डिपेंडिंग कि आपको कैसा चाहिए. ऑब्वियसली दिस इज़ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग. इसको आप नंबर में चेंज नहीं कर सकते हो. सो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये हम लोग देखेंगे. फॉर्मेट एज अ टेबल बेसिकली व्हाट हैपेंस योर इंटायर स्ट्रक्चर विल बिकम अ विल गेट चेंज्ड इनटू अ टेबल. अभी हमें उसका ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स कीप इट असाइड. देन हमने किया था हाउ टू डिलीट और इंसर्ट स्पेसिफिक सेल और सेल्स. यहाँ से हम वो चीज़ कर सकते हैं. देखो आई कैन इंसर्ट वन ऑफ द सेल इफ आई वॉन्ट टू ओवर हियर. आई कैन डिलीट एनी सेल और आई कैन डिलीट द शीट इंटायर कॉलम इंटायर रो और स्पेसिफिक सेल्स इफ आई वॉन्ट टू. नाउ फॉर्मैटिंग इट्स द सेम थिंग. आई कैन फॉर्मैट द सेल. इंस्टेड ऑफ सिंपली राइट क्लिकिंग
आई कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर। यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन है एंड सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आप पहले यहाँ पे खोल रहे थे। नाउ दिस इज़ द एरिया फॉर ऑटो सम, ये हमने किया था फीचर। दिस इज़ द सॉर्ट एंड फिल्टर, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दिस इज़ फाइंड एंड सिलेक्ट, मैंने बोला था आइदर बाई क्लिकिंग कंट्रोल एच यू कैन गेट द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स और सिंपली यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर। यहाँ पे यू हैव दिस रिप्लेस ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का आपका डायलॉग बॉक्स अपने आप ओपन हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फॉर्मेट योर सेल्स, यू कैन फॉर्मेट योर टेबल इन अ वे यू वॉन्टेड टू चेंज। ओके, सो दिस वॉज द होम टैब। नाउ नेक्स्ट फीचर विच आई वॉन्ट यू ऑल टू नो, दिस इज़ बेसिकली वेन वी आर गोइंग टू मॉडल आर डेटा, वेन वी आर गोइंग टू डू फाइनेंशियल मॉडलिंग, उस समय बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो कस्टम फॉर्मेटिंग सेल्स हमने देखा कैसे हम राइट क्लिक करके एक सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स से सपोज इन जनरल वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट, लाइक आई हैव रिटन ओवर हियर फाइव, आई हैव रिटन ओवर हियर फाइव एंड दिस इन बाय डिफॉल्ट गेट्स स्टोर्ड एज अ नंबर, एज अ जनरल नंबर। नाउ लेट्स से सपोज इंस्टेड ऑफ अ नंबर आई वॉन्टेड टू स्टोर एज, आई वॉन्टेड टू स्टोर एज अ मल्टीपल, यानी कि 5.0x, मुझे ऐसे एक मल्टीपल के तौर पे इसको सेव करना है ताकि जब मैं इसे जनरली कब होता है कि हम लोग जब रेशियोज निकालेंगे व्हेन वील गो फॉरवर्ड विथ आर फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लासेस, वील कैलकुलेट वेरियस रेशियोज फ्रॉम आर बैलेंस शीट, तो रेशियोज को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2x 3x, ताकि वो समझ में आए कि इट इज़ अ मल्टीपल। ठीक है, तो उस वे से जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है, नाउ दिस हैज़ चेंज्ड, दिस इज़ नॉट अ नंबर नाउ, दिस इज़ चेंज टू अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। हमेशा याद रखना जो भी बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग्स होंगे ना वो लेफ्ट अलाइंड होंगे एंड जो भी सपोज यहाँ पे एक नंबर लिख रही हूँ, नंबर विल बी राइट अलाइंड एंड द टेक्स्ट विल बी लेफ्ट अलाइंड। सो दिस इज़ अ टेक्स्ट, दिस इज़ लेफ्ट अलाइंड करंटली एंड दिस इज़ द नंबर, दिस इज़ राइट अलाइंड। तो बाय डिफॉल्ट नाउ दिस हैज़ चेंज्ड इनटू अ टेक्स्ट, इट हैज़ चेंज्ड इनटू अ टेक्स्ट। अगेन इफ आई वॉन्ट टू चेंज इट बैक, मे बी आई वॉन्ट टू स्टोर इट एज अ मल्टीपल, मेरे को इसको 5x एज अ मल्टीपल स्टोर करना है विच इज़ अ नंबर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टेप वन याद रखना, हमेशा 5 लिखेंगे विच इज़ अ नंबर, हमेशा नंबर, जब भी हमारा सेल नंबर के वे में हो तभी यू विल फॉर्मेट द सेल, तभी यू विल फॉर्मेट द सेल। फॉर दैट राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स में गए। नाउ यहाँ पे देर इज़ एन ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आओ कैटेगरी में हम कस्टम में जाएंगे विच इज़ एट द बॉटम ऑफ आर लिस्ट। यहाँ पे इन प्लेस ऑफ जनरल यू कैन जस्ट स्पेसिफाई वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर सेल। आउटकम आपको कैसा चाहिए, यू कैन चेंज इट इन टू अ डेट, यू कैन चेंज इट इन टू अ टाइम, वॉट एवर, नो मैटर वॉट यू वॉन्ट टू डू विद दिस पर्टिकुलर सेल। सपोज आई वॉन्ट टू स्टोर इट एज अ मल्टीपल, तो मैंने क्या लिखा 0.0x। जैसे ही मैंने x लिखा, यहाँ पे सैम्पल में क्या हुआ, देखो यहाँ पे 5 था पहले, जब मैंने इसको जनरल में किया तो यहाँ पे पहले 5 था ये, विच इज़ अ नंबर, इट इज़ अ स्पेसिफिक नंबर। अब इसको मुझे चेंज करके क्या करना है, इसको एक मल्टीपल के जैसे मुझे शो करना है, तो 0.0x मैंने जब लिखा तो यहाँ देखो 5.0x आ गया। नाउ दिस 5.0x इज़ अ मल्टीपल नंबर, नाउ दिस इज़ नॉट अ टेक्स्ट एनी मोर, दिस इज़ अ मल्टीपल नंबर। तो मैंने बस ओके किया एंड देखो इट गॉट चेंज्ड। तो दिस वॉज वॉट आई हैड रिटन अर्लियर एंड ये मैंने अभी किया। मैंने कैसे किया, हमेशा याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, हमेशा टाइप द नंबर and then change it to, then change the format of the number, then custom format the number। कभी भी अगर आप इसको चेंज करने के लिए जाओगे तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज कभी नहीं होगा, आपको नंबर को चेंज करना पड़ेगा। जब भी नंबर के वे में होगा, प्रेजेंट किया हुआ होगा, तभी आप इसको चेंज कर सकते हो। जब ये ऑलरेडी टेक्स्ट के वे में है देन यू कैन नॉट कस्टम फॉर्मेट दिस पर्टिकुलर सेल। तो ये अब हमारा हो गया। नाउ लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने 2 लिखा, अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 into 2, तो देखो आंसर 2 आ रहा है, 10 आ रहा है। अगर सेम चीज़ आई वुड हैव डन विथ अर्लियर 5.0x तो देखना एरर आएगा। वाई? बिकॉज दिस इज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, नॉट अ नंबर स्ट्रिंग, एंड दिस इज अ नंबर स्ट्रिंग, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ
multiple. So this feature is very, very important when we are going to calculate ratios in our financial modeling classes. So it's better you can copy it down from here, and next class we'll do page layout tab. Thank you.